मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फोर बेसिक्स ऑफ एमवे, यानी एमवे में फोर बेसिक्स क्या है। तो एमवे में एक BWW सिस्टम है, यानी ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम। इसके बिना आप एमवे में कामयाब नहीं हो सकते। इसमें ही एक छोटा सा पार्ट है फोर बेसिक्स। ये एमवे के मेन फोर पिलर्स है जिसके ऊपर पूरा एमवे बिजनेस खड़ा है। यानी क्या ये एमवे बिजनेस का बेस है, ऐसे हम इसे बोल सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे वन बाय वन। तो पहला तो है लिस्ट बिल्डिंग। पहला बेसिक क्या है? लिस्ट बिल्डिंग। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है। कौन सी लिस्ट बनानी है? तो पहले तो है लिस्ट योर ड्रीम्स विथ डेट। मतलब इसमें सबसे पहले तो हमें हमारी ड्रीम्स की लिस्ट बनानी होती है। ड्रीम्स कुछ भी हो सकते हैं, किसी का एक छोटा सा ड्रीम्स भी ड्रीम ही होता है, ठीक है क्या? या फिर हम बोल सकते हैं कि इसमें हमारा कारण क्या है कि हम एमवे बिजनेस में आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने देखा हमें हमारा मोबाइल चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे उसमें क्या करना है, आपको डेट भी डालनी है। तो ये भी आपका क्या हुआ, एक छोटा सा ड्रीम ही हुआ जो कि आपको अपना मोबाइल चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, ये ड्रीम आपको लिखना है, और लिखने के बाद उसके सामने आपको उसकी डेट लिखनी है, ठीक है। दूसरा अगर एग्जाम्पल हमने लिया, टीवी चेंज करना है आपको अपना अगर, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हुआ, ड्रीम ही हुआ। तो उसके सामने भी आपको क्या करना है, उसकी डेट लिखनी है कि कब आपको ये करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे डेट डालने का मेन रीजन क्या होता है, डेट क्यों डालनी है हमें आगे, क्योंकि हमें हमारे माइंड को एक, हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमें अपने माइंड को हम क्या करते हैं, एक टारगेट सेट कर देते हैं कि ये मुझे जो डेट मैंने डाली है तब तक ये काम मुझे क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। और अगर डेट नहीं डालेंगे तो सिर्फ हमने ये लिख लिया, ठीक है, हमारे ड्रीम्स अगर हमने लिख लिए तो डेट ही नहीं डाली, तो वो कब पूरे करने या कब पूरे होंगे ये हमें भी नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपके ड्रीम की डेट डालना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये तो हुआ पहला लिस्ट। दूसरा लिस्ट क्या करना है हमें, हमारे क्वेश्चंस की लिस्ट बनानी है। कौन से क्वेश्चंस? जब भी हम एमवे बिजनेस में ज्वाइन करते हैं स्टार्टिंग में, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जैसे कि ये इसमें पैसे कैसे आते हैं, या फिर ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, या ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। तो ये वो सारे सवाल हमें क्या करना है, लिख लेने हैं, ठीक है। हमें हमारे अपलाइन यानी आपको जिन्होंने बिजनेस दिखाया है उनसे ये सवाल आपको क्या करने हैं, पूछ लेने हैं सभी सवाल, ठीक है। ये दूसरा लिस्ट हुआ। तीसरा लिस्ट क्या बनाना है आपको, तीसरा लिस्ट है कि आपको लोगों की लिस्ट बनानी है, यानी पीपल लिस्ट, ठीक है। कौन से लोगों की, जो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में 300 to 500 पीपल की लिस्ट तो वैसे भी इजीली अवेलेबल हो जाती है, हमारे मोबाइल फोन में होती ही है। वो पीपल की लिस्ट हमें बनानी है कि हमें किस किस को बिजनेस बताना है, दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पे लिया, अगर हमारे घर में अगर कोई फंक्शन होता है तो हम पहले ही फंक्शन में आने वाले सारे लोगों की क्या बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट लिस्ट कैसी बनानी है, अभी लिस्ट लिस्ट बनाने के वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मेरे पास एक टैक्ट है। जैसे कि सपोज यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स ये वर्ड लिया, ठीक है, फ्रेंड्स वर्ड का जो इनिशियल्स है उसके अगर हमने देखे, फ्रेंड्स में पहला लेटर आता है एफ, यानी कि फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपके जो फ्रेंड्स है, ठीक है, दोस्तों की आपको लिस्ट बनानी है। उसके बाद है रिलेटिव्स, यानी आपके सारे रिश्तेदारों की आपको लिस्ट बनानी है। तीसरा आता है इनिशियल इंस्टीट्यूट, यानी क्या आपके कॉलेजेस या आपके इंस्टीट्यूट के जो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट आपको बनानी है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज, यानी आप सपोज अभी कुछ काम कर रहे हैं, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहां पे जो एम्प्लॉयज या कलीग्स वगैरह होते हैं तो उनके आपको लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट होता है नेबर्स, यानी क्या आपके आजू बाजू के आपके जो नेबर्स होते हैं, पड़ोसी, उनकी आपको लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट होता है डी, यानी क्या डिस्टेंस पीपल, यानी जो दूर के लोग हैं, दूर के रिश्तेदार वगैरह हैं आपके, तो उनकी लिस्ट आपको बनानी है। और लास्ट इज स्टेटस,
स्ट्रेंजर या कुछ स्ट्रेंजर्स भी होते हैं तो उनकी भी आपको क्या बनानी है, लिस्ट बनानी। इस तरीके से आपको ये पीपल की लिस्ट बनानी होती है। और चौथा क्या है यहाँ पे, चौथी जो लिस्ट आपको यहाँ पे बनानी है वो पोस्टपोन्ड लिस्ट। अभी ये क्या है, अभी जैसे कि एमवे बिजनेस करने के लिए जैसे 1 से 2 घंटे काफी होते हैं, ठीक है। तो ये 1 से 2 घंटे ऐसे 2 घंटे है, तो ये ऐसी एक लिस्ट है जिसमें वो कौन से काम है जो आपको ये 2 घंटे के लिए पोस्टपोन करने होते हैं। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि सपोज आपने एमवे बिजनेस के लिए 8 से 10 का टाइम दिया है, तो 8 से 10 में अगर आप टीवी देखते हैं, ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, टीवी देखने का काम ये पोस्टपोन कर सकते हो या कम कर सकते हो। दूसरा, अगर सपोज आप सोशल मीडिया पर रहते हो यानी व्हाट्सएप वगैरह देखते हो 8 से 10 के टाइम में, तो आपको क्या करना है, वो पोस्टपोन कर देना है या थोड़ा कम कर देना है, ठीक है। तो ये पोस्टपोन लिस्ट होती है, ठीक है। अभी दूसरा जो है बेसिक, दूसरा बेसिक जो हमें देखना है वो है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। अभी इसमें क्या होता है, अभी जो लोगों की लिस्ट यानी पीपल की लिस्ट हमने बनाई थी, ठीक है, तो उन लोगों को अब हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है। तो कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे हम, तो एक BWW में एक बुक है। BWW क्या है, एक ब्रिटिश वर्ल्ड वाइड सिस्टम है एमवे की, जिसके बिना एमवे बिजनेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसमें एक बुक है, उसका नाम है LYF यानी लॉन्चिंग योर फ्यूचर। तो उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि आपको कॉन्टैक्ट किस अंदाज में करना है, किस तरीके से आपको लोगों को कॉन्टैक्ट करना है, उनसे कैसे बातें करनी है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले उन्हें कॉन्टैक्ट करना है और उनका थोड़ा सा समय लेना है ताकि हम उन्हें एम्बे बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर सके, बता सके, समय हमें लेना है। अभी तीसरा जो बेसिक है वो क्या है, शो द प्लान एंड डेमो। इसको हम एसटीपी एंड एसटीपी भी बोलते हैं, ठीक है। अभी प्लान कैसे दिखाना है, सबसे पहले यानी स्टार्टिंग में जब आप नए होते हैं बिजनेस में और जब तक आप खुद अच्छी तरह से पूरा बिजनेस सीख नहीं जाते, तब तक तो आपको आपके अपलाइन ही आपको क्या करेंगे, प्लान दिखाएंगे, ठीक है। जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक आपके अपलाइन प्लान दिखाएंगे। जैसे कि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो जब आपके अपलाइन प्लान दिखाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उनको नोटिस करना है, उनको ऑब्जर्व करना है, ताकि वैसा ही प्लान आप भी दिखा सके आपके डाउनलाइन को, ठीक है। और आपको ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट में आपका प्लान क्या करना है, खत्म करना है यानी पूरा करना है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट बेसिक यानी फोर्थ बेसिक जो है वो है फॉलो एंड फॉलो थ्रू। अभी ये क्या है, इसमें क्या होता है कि आपने कॉन्टैक्ट भी किया, ठीक है, कॉन्टैक्ट किया, प्लान भी दिखाया, लेकिन उसके बाद अगर आपने उसको कॉल ही नहीं किया तो वो तो भूल ही जाएगा और आपको जीरो रिजल्ट मिलेगा। मतलब क्या, आपने प्लान भी दिखा दिया है कॉन्टैक्ट करके, तो अगर उसके बाद आपने उसको कुछ उसका फीडबैक नहीं लिया तो उसका आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, जीरो रिजल्ट मिलने वाला है। तो हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, हमें फॉलोअप यानी प्लान दिखाने के बाद हमें फीडबैक लेना है। अगर उसका माइंड चेंज हो गया तो जो उसने हाँ बोला है तो बिजनेस करने के लिए, तो क्या होगा, तो वो ना भी बोल सकता है, इसलिए हमें उनका फॉलोअप लेना है, ठीक है। उसका माइंड अगर चेंज हो जाता है तो वो बिजनेस के लिए ना भी बोल सकता है। अभी एक और बात है कि यहाँ पे क्या, फॉलोअप में हम उनको फॉलोअप की जो मीटिंग होती है, दूसरी टाइम जब हम उनसे मिलते हैं, तो हम उनको क्या दे सकते हैं फॉलोअप में, उनको एक सीडी दे सकते हैं। किस लिए, सीडी सुनने के लिए हम उसको एक ऑडियो सीडी वगैरह दे सकते हैं। दूसरा, तो उनको बुक्स दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एमवे बिजनेस में बहुत सारे बुक्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला LYF करके एक बुक है, स्टार्टिंग बुक है वो, तो जो सबको पढ़नी चाहिए। दूसरा है सवाल ही जवाब है, ऐसे बहुत सारे बुक्स होते हैं, ठीक है, तो वो बुक आप उनको दे सकते हैं। तीसरा होता है प्रोफाइल, क्या सक्सेसफुल जो लोग ये बिजनेस में हुए हैं, आप उनकी प्रोफाइल उनको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। और लास्ट है, आप उनको मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। कौन सी मीटिंग, BWW की ओपन मीटिंग में आप उन्हें क्या कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुए 4 बेसिक, और हम इसको बोल सकते हैं एमवे बिजनेस के 4 मेन पिलर्स हैं जो एमवे बिजनेस में सफल होने के लिए आपको इनको फॉलो करना है।
थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू।